नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में 7 दिवसीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का हुआ शुभारंभ। डीएम ने कहा ट्रैफिक नियम फॉलो नहीं करने के कारण सड़क हादसे में हुई वृद्धि। विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर तथागत अवतार तुलसी ने व्याख्यान माला को किया संबोधित। भारत की वैज्ञानिक आजादी पर की चर्चा। पीजी संस्कृत विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने कहा भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा में है समाई। गृह रक्षा वाहिनी के डीजी राकेश मिश्रा पहुंचे बांका। नव चयनित कंपनी कमांडर के साथ की बैठक, समस्या समाधान की कही बात। और राष्ट्रीय युवा दिवस की पूर्व संध्या पर निकाली गई झांकी, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का दिया संदेश। अब समाचार विस्तार से। जिला परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। शनिवार को इसका उद्घाटन जिला समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार, DDC सुनील कुमार, सहायक जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी, सदर SDO आशीष नारायण, प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह एवं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान सड़क सुरक्षा सप्ताह को संबोधित करते हुए DM ने कहा कि शहर में परिवहन के माध्यम बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। सड़क सुरक्षा का पालन नहीं करने के कारण सड़क हादसे में लोगों की मौत हो रही है। DM ने कहा कि बढ़ते सड़क दुर्घटना एवं जाम से निजात के लिए 1 सप्ताह तक परिवहन विभाग द्वारा आम लोगों को यातायात नियम के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं सभागार में मौजूद सभी अधिकारियों ने ट्रैफिक नियम का पालन करने एवं लोगों को जागरूक करने की बात कही। शनिवार से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस एवं परिवहन विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कचहरी चौक के समीप ट्रैफिक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने 4 पहिया एवं 2 पहिया वाहनों को रोककर ट्रैफिक रूल पालन करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान पुलिस जवानों ने वाहन चालकों को गुलाब फूल देकर गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का प्रयोग करने एवं मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट का प्रयोग अवश्य करने की बात कही। वहीं कई वाहन चालकों ने पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान की सराहना की और यातायात नियम का पालन करने की बात कही। 21वां सड़क सुरक्षा सप्ताह जो हम लोग मना रहे हैं 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच के, इस बीच में गहन सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाएंगे। हम लोग का जागरूकता अभियान जो चला रहे हैं उसमें हम लोग एक आज शुरुआत किए उद्घाटन सत्र में जिलाधिकारी महोदय द्वारा, एसपी साहब द्वारा। इसके अलावा हम लोग उसमें आज गांधीगिरी करा रहे हैं, 1 घंटा गांधीगिरी करा रहे हैं, सभी बच्चों लोगों को समझा रहे हैं। गांधीगिरी में कि जागरूक होना बता रहे हैं कि आप हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए और उसके पहनने से आपके मृत्यु दर में 70% की कमी आ जाएगी। दुर्घटनाएँ होती है और रोड है, गाड़ी है, स्पीड है तो दुर्घटना होगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से 2015 में डिसीजन आया है जिसमें कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को यदि अस्पताल पहुंचाते हैं, मदद करते हैं, रास्ते में यदि उसका डेथ भी हो जाता है तो उस पर किसी भी तरह का कानूनी प्रक्रिया लागू नहीं है और अस्पताल प्रशासन भी नहीं रोकेगा। तो आप पहले मदद करें। दूसरा, सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता के लिए है कि आप वाहन जो है वो यातायात के नियमों के तहत करें, प्रयोग करें, हेलमेट पहने, गति को एक सीमा में रखें और सीट बेल्ट का जरूर प्रयोग करें। नशे में गाड़ी नहीं चलाएं, मोबाइल चलाते हुए इसका प्रयोग नहीं करें, गाड़ी नहीं चलाएं। भागलपुर के नरगा कोठी स्थित गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में शनिवार को विद्या मंदिर एवं तुलसी सामाजिक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर तथागत अवतार तुलसी, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के कुलपति प्रोफेसर नंद कुमार इंदु, आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह, पूर्व कुलपति डॉक्टर जनार्दन झा, प्रधानाचार्य रामजी प्रसाद सिन्हा एवं संस्था के अध्यक्ष आलोक पाठक ने संयुक्त रूप से पुष्पार्चन एवं दीप जलाकर किया। इस दौरान भारत की वैज्ञानिक आज़ादी, वास्तविक आज़ादी पर चर्चा करते हुए डॉक्टर तथागत तुलसी ने कहा कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था और यह विश्व गुरु भी कहलाता था। उन्होंने कहा कि हम प्रतिभा वृद्धि, कौशल, कल्पना शक्ति, परिश्रम एवं वैज्ञानिक सोच से अपने देश को विकसित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश से प्रतिभा पलायन हो रहा है जो देश के विकास में बड़ा बाधक है। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम करके ही छात्र सफल हो सकते हैं। वहीं आलोक पाठक ने कहा कि 10 वर्ष की उम्र में BSc, 12 वर्ष की उम्र में MSc एवं 22 वर्ष की उम्र में IIT बेंगलोर से PhD कर डॉक्टर तथागत अवतार तुलसी ने बिहार और भारत का नाम विश्व में रोशन किया है।
वहीं डॉक्टर नंद कुमार इंदु ने कहा कि 22 वर्ष की उम्र में IIT मुंबई का प्रोफेसर बनना सराहनीय एवं आश्चर्यजनक है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के PG संस्कृत विभाग में शनिवार को राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति में संस्कृत एवं हिंदी शिक्षा का योगदान विषय पर आयोजित कार्यक्रम के पहले दिन कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे और संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी बताया। इसके पूर्व संगीत एवं संस्कृति विभाग के छात्र छात्राओं ने कुलगीत और स्वागत गान की प्रस्तुति दी। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ TMBU के प्रतिकुलपति प्रोफेसर राम यतन प्रसाद, DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो, वित्त परामर्शी पद्मकांत झा, विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहन मिश्रा, डॉक्टर दामोदर महतो एवं टाइकून रिसर्च एंड डेवलपमेंट झारखंड के डॉक्टर केतन कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद आगत अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और बुके देकर किया गया। संगोष्ठी के दौरान अतिथियों ने संस्कृत विषय पर लिखी गई पत्रिका का भी विमोचन किया। इस दौरान प्रतिकुलपति प्रोफेसर राम यतन प्रसाद ने कहा कि भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा में निहित है। DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो ने कहा कि सरकार को संस्कृत भाषा के विकास पर ध्यान देना चाहिए। वहीं डीन डॉक्टर दामोदर महतो ने कहा कि रामायण आदर्शवाद और महाभारत घर घर की कहानी वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। डॉक्टर लक्ष्मीश्वर झा और डॉक्टर पूनम पांडे ने संस्कृत के इतिहास और वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला, साथ ही विभाग की उपलब्धि गिनाई। विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहन मिश्रा ने कहा कि संस्कृत केवल भाषा नहीं बल्कि यह वैश्विक शांति का संदेश देती है। मौके पर PG राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमेश चंद्र राय, पूर्व CCDC डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर सुलेखा देवी, डॉक्टर निशा झा, विश्वबंधु उपाध्याय, नयन तिवारी, सुजीत कुमार समेत कई शिक्षक, विभागाध्यक्ष, शोधार्थी और छात्र छात्रा मौजूद थे। का उद्देश्य है कि हमारी भारतीय संस्कृति जो कि अत्यधिक समृद्ध है वो किस कारण से है, इसके लिए संस्कृत और हिंदी का क्या इसमें योगदान है, तो उद्देश्य हमारा ये हुआ कि संस्कृति समृद्ध कैसे हो और उसको समृद्ध बनाने वाले जो भी तत्व हैं उसमें संस्कृत सर्वप्रथम आता है और द्वितीय तत्व हिंदी भी है, क्योंकि आधुनिक भारतीय भाषा में वो हिंदी का बहुत बड़ा महत्व है, प्रतिनिधि भाषा है, संस्कृत पौराणिक भाषा है, लेकिन सारी संस्कृति निहित है संस्कृत में ही। इसीलिए इस सेमिनार के द्वारा हम ये आह्वान करना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति की जो लीक है उस लीक को हम पकड़े रहे हैं। और इस तरह के सेमिनार आयोजित कराने के बाद जो प्रभाव विद्यार्थियों के ऊपर पड़ा है, खास करके शोधार्थियों के ऊपर में, उनका रुझान हिंदी और संस्कृत की ओर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आए दिन अखबारों में और TV में जो जिस तरह के समाचार हम आपको देखने को मिलता है उसमें उनकी जो उदासीनता है विभिन्न विश्वविद्यालयों में संस्कृत को लेकर के, हिंदी को लेकर के, उसको लेकर के छोटे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों में जो रुझान पैदा हो रहा है वो हम लोग आज देखते नजर आ रहे हैं। आप अगर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की बात करें तो कुल लगातार कई संख्या में लोग जो यहाँ गवेषक बन रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर बन रहे हैं, उसका यही वजह है इस तरह के सेमिनार हर जगह आयोजित किए जा रहे हैं। शनिवार को बांका पहुंचे होमगार्ड के DG राकेश कुमार मिश्रा ने समाहरणालय सभागार में गृह रक्षा वाहिनी के सेक्शन लीडर, प्लाटून कमांडर और कंपनी कमांडर के साथ बैठक की। बैठक के दौरान DG राकेश कुमार मिश्रा ने जवानों को पूरे लगन और ईमानदारी से कार्य करने की बात कही। DG ने कहा कि गृह रक्षा वाहिनी को अब समय पर वेतन मिलेगा, साथ ही वर्दी के लिए 2 वर्ष में 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि होमगार्ड जवानों की समस्या का समाधान कमांड ऑफिस में किया जाएगा। वहीं उन्होंने जवानों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को नौकरी देने की बात कही। इसके पूर्व DG को मंदार पर्वत का प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। वहीं DG ने जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। स्वामी विवेकानंद जयंती के पूर्व संध्या पर शनिवार को आनंदराम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल परिसर से भैया बहनों के द्वारा भव्य झांकी निकाली गई। झांकी स्कूल से निकलकर बूढ़ानाथ चौक, गोलाघाट चौक, रामसर कोतवाली चौक होते हुए विद्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान शोभा यात्रा में बच्चों के द्वारा स्वामी विवेकानंद के विचारों एवं कथनों को पोस्टर प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। साथ ही बच्चे स्वामी विवेकानंद, भारत माता, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, भगिनी निवेदिता सहित कई महापुरुष के आध्यात्मिक वेशभूषा में सुसज्जित थे। इस दौरान पूरा नगर स्वामी विवेकानंद और भारत माता के जयघोष से गूंजता रहा। इसके उपरांत विद्यालय परिसर में समरसता भोज का आयोजन किया गया। वहीं रैली में कई जगहों पर बच्चों की सुविधा के लिए अभिभावकों द्वारा बिस्कुट एवं जल का स्टॉल लगाया गया था। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन प्रबंध कारिणी समिति की सदस्य डॉक्टर वीना झा, डॉक्टर उग्रमोहन झा, प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा, उप प्रधानाचार्य रविशंकर पांडे ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने कहा कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को आत्मसात करना ही झांकी का मुख्य उद्देश्य है। इस मौके पर उमाशंकर, राजेश कुमार, आचार्य भीष्म मोहन झा, हेमाकांत झा, जैनेन्द्र मिश्र, अनिता सिन्हा, बबीता वर्मा, पंकज उपाध्याय सहित कई लोग मौजूद थे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। G
जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर। 23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी, रिसेप्शन, पार्टी एवं अनेक आयोजनों में 4 चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटें अपनों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। शनिवार को बांका में राजद कार्यकर्ताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। धरना के दौरान बांका के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण ने कहा कि केंद्र सरकार अपने निहित स्वार्थ के लिए देश की जनता को ठग रही है और CAA एवं NRC के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। धरना पर बैठे लोगों ने कहा कि देश में भूखमरी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य की समस्या बढ़ती जा रही है और मोदी सरकार इसे छिपाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे राजद कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून और NRC को अखंड भारत के लिए खतरे का संकेत करार दिया। मौके पर काफी संख्या में राजद कार्यकर्ता और सामाजिक संस्था से जुड़े लोग मौजूद थे। और शपथ लेते हैं कि हम NRC को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम CAA को बर्दाश्त नहीं करेंगे, NPR को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे कारण है आपके माध्यम से आप लोग जा रहे हैं, इसलिए भूमिहीन कहां से दस्तावेज ला रहे हैं? यहां का जो है 60% लोग भूमिहीन है, वह दस्तावेज कहां से लावेगा? दादा का जो है बेटा और बेटियों का जन्म पत्री कहां से लावेगा? ये बंजारा कहां से लावेगा? ये आदिवासी भाई जो जंगल में है, पहाड़ में है, कोल में है, कंदरा में है, वो कहां से लावेंगे? वो जो हमारा दलित भाई कहां से लावेंगे? जो भाई किसी जात के हैं विदेशों में चले गए हैं और जो है वहां उनको 2 बेटा और बेटी है वहीं रह गए हैं, लेकिन उनका जो है परिवार यहां है। कहता है कि कहां है आपका पोता? तो कहा कि सिंगापुर। नाथनगर थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड पर शुक्रवार को हुए गोलीबारी एवं बमबाजी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बमबाजी की घटना में विष्णु कुमार बिष्टखिया, पवन यादव, अभिजीत यादव और सन्नी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। शनिवार को मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने एक आरोपी विष्णु उर्फ बिष्टखिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पकड़े गए आरोपी ने 2 लोगों के बीच हुए विवाद में गोलीबारी और बमबाजी की घटना को अंजाम देने की बात कही। वहीं अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के PG ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारी प्रबंधन विभाग में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। भारत के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का एक यंत्र विषय पर आयोजित व्याख्यान माला में प्रोफेसर विक्रमा सिंह, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार झा समेत कई शिक्षकों ने सहकारिता के उद्भव एवं वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। वहीं विभाग अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सिंह ने भारत में सहकारी आंदोलन की जानकारी दी, जबकि प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह ने कहा कि वर्तमान में 7 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं जिसमें 33 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। मौके पर प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार, श्रवण कुमार, डॉक्टर रंजन कुमार सिन्हा, शिवेश मिश्रा समेत कई छात्र छात्रा मौजूद थे। आज की संगोष्ठी का उद्देश्य था कि ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता विषय में आंशिक संशोधन के उपरांत इसमें प्रबंधन शब्द जोड़े गए। छात्रों को उत्सुकता थी
कि प्रबंधन शब्द जुड़ने से हमारे विषय का कहाँ कहाँ प्रोस्पेक्ट्स बढ़ा है, हमें नौकरी के कहाँ कहाँ अवसर उपलब्ध होंगे, उन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए उनकी जागरूकता उसमें पैदा करने के उद्देश्य से आज मगध विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर विक्रमा सिंह जी को आमंत्रित किया गया था। और आज संगोष्ठी में शैलेंद्र झा जी जो दरभंगा विश्वविद्यालय के थे वो भी उपस्थित थे। आज सारगर्भित उन्होंने अपना भाषण दिया संगोष्ठी में, और उन्होंने बताया कि बैकुंठ मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ पूना में कॉपरेटिव की बेहतर ट्रेनिंग दी जाती है, हैदराबाद में रूरल मैनेजमेंट के उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। भागलपुर टीएनबी कॉलेज के जंतु विज्ञान विभाग में शनिवार को विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग से सेवानिवृत्त हुए दो शिक्षक प्रोफेसर फारूक अली एवं डॉक्टर केसी मिश्रा को छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम आयोजित कर विदाई दी। दोनों शिक्षकों को विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पलता दुबे ने अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया और विभाग में उनके द्वारा दिए गए योगदानों की जमकर प्रशंसा की। वहीं ऑनर्स के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। मौके पर शिक्षकों ने छात्रों को शुभकामनाएं दी और कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करने की बात कही। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, प्रोफेसर अवध किशोर सिंह, डॉक्टर अरविंद कुमार, ओम प्रकाश, सन्नी कुमार समेत कई छात्र मौजूद थे। भागलपुर मड़वाली कॉलेज में भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा निर्देशित स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विशेष शिविर का समापन शनिवार को समारोह पूर्वक हुआ। इस दौरान भागलपुर नगर निगम के उप महापौर राजेश वर्मा, स्वामी विवेकानंद केंद्र के विजय वर्मा, प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार, NSS के विश्वविद्यालय समन्वयक दीपो महतो, कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर आशीष मिश्रा एवं महादेव सिंह कॉलेज के डॉक्टर बलवीर सिंह ने राष्ट्रीय सेवा योजना के क्रियाकलापों पर अपनी बात रखी और स्वयं सेवकों को स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। चार दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन नुक्कड़ नाटक, भाषण प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग, जागरूकता रैली और कार्यशाला के दौरान बेहतर कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा समेत NSS से जुड़े लोगों ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और समाज में जन जागरूकता अभियान जारी रखने की बात कही। मौके पर डॉक्टर शत्रुघ्न कुमार, डॉक्टर बलवीर कुमार, डॉक्टर स्वास्तिका दास, मृत्युंजय कुमार, मुस्कान खातून समेत दर्जनों स्वयंसेवक मौजूद थे। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का कार्यक्रम मारवाड़ी कॉलेज में आज चार दिनों से चल रहा है तथा इसका आज समापन है। इस कार्यक्रम करने में यहाँ के कार्यक्रम पदाधिकारी का काफ़ी सहयोग रहा है और यह कार्यक्रम पूरे भागलपुर में एक संदेश दिया है कि लोगों को स्वच्छता के प्रति काफी ध्यान देना चाहिए। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 19 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला को लेकर अमरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में कैंडल जलाकर आम लोगों को मानव श्रृंखला की कड़ी बनने के लिए प्रेरित किया गया। वीडियो सरस्वती कुमारी ने कहा कि जल और हरियाली को बचाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। उन्होंने पूरे प्रखंड के लोगों को अभियान में शामिल होने की अपील की। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का यह मानव श्रृंखला है जल जीवन हरियाली लेके, जो 19 जनवरी को मनाया जाएगा और इसमें सबकी सहभागिता रहेगी। इसी के लिए के हम लोग प्रखंड से सारे डिपार्टमेंट के सारे जनप्रतिनिधियों के साथ आज वहां से मार्च पास करते हुए आए हैं ब्लॉक से, और यहां पे गोला चौक पे हम लोग मानव श्रृंखला जागरूकता अभियान चलाए हैं। भागलपुर सन्हौला प्रखंड के फाजिलपुर सक्रामा पंचायत के सुखसेना गांव में शनिवार को दो दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दंगल का उद्घाटन पंचायत की मुखिया रानी देवी, पूर्व जीप सदस्य नाजनी नाज एवं अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। प्रतियोगिता में बिहार झारखंड के कई जिलों से आए पहलवानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पहलवानों ने दंगल में अपने दमखम का शानदार प्रदर्शन किया। मुखिया रानी देवी ने कहा कि प्रतियोगिता का आयोजन आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए किया गया है, साथ ही इससे शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि अनुज कुमार झा, मोहम्मद कलीम, रेफरी मोहम्मद समीम काजी, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद नसीम सहित काफी संख्या में दंगल प्रेमी मौजूद थे। और अंत में चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भागलपुर में 7 दिवसीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का वह शुभारंभ, DM ने कहा ट्रैफिक नियम फॉलो नहीं करने के कारण सड़क हादसे में हुई वृद्धि। विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर तथागत अवतार तुलसी ने व्याख्यान माला को किया संबोधित, भारत की वैज्ञानिक आजादी पर की चर्चा। PG संस्कृत विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन, वक्ताओं ने कहा भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा में है समाई।
गृह रक्षा वाहिनी के डीजी राकेश मिश्रा पहुंचे बांका, नव चयनित कंपनी कमांडर के साथ की बैठक, समस्या समाधान की कही बात। और राष्ट्रीय युवा दिवस की पूर्व संध्या पर निकाली गई झांकी, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का दिया संदेश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।